यार बहुत तपती हुई धूप हो रही है, इतनी तपती हुई धूप हो रही है ना। हाँ तो जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर ब्लॉग। और उम्मीद है आप लोग सब खरीद से खुश होंगे। मैं कहाँ निकला हूँ, ये पीछे जो डस्टबिन गया है इसको भूल जाएं आप, क्योंकि ये व्यू ख़राब कर रहा है। खैर मैं अभी कहाँ निकला हूँ, मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ। बिल्कुल मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ लीमा। हम आए थे इधर ये सोच के कि यहाँ से हम उठाएंगे एवोकाडो, एवोकाडो उठाएंगे, ब्रेड उठाएंगे, और फिर हम ब्रेड के मतलब टोस्ट करके उसके ऊपर एवोकाडो रखेंगे और एक अंडा रखेंगे। अब यहाँ पर तो मिल नहीं रहा एवोकाडो, क्योंकि एवोकाडो मैंने दिखाया बड़ा ये हसीन, इतना हसीन है एवोकाडो कि क्या बताऊँ, मतलब क्या ही कहने हैं। अब क्या करें। तो अभी बज रहे हैं 2 और मुझे लग गई भूख। अब मैं नाश्ते के लिए उठा था, नाश्ता तो किया नहीं, तो अब हमने सोचा कि कुछ लेने चलते हैं मार्केट से, कुछ उठाएंगे और घर में जाके बनाएंगे, क्योंकि हमें बाहर का तो खाना नहीं है, जबकि यहाँ पर सब खुला हुआ है, सब चल रहा है, देखो सब सीन ऑन है। अब हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या लें, क्योंकि इट इज़ मतलब अब दिमाग आपका उल्टा पुल्टा हो गया। जब एक चीज़ आप प्लान करके चल रहे होते हो ना, वो चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं होती है, तो फिर प्लान बी होना चाहिए। अब प्लान बी क्या है ये सोचना। तब तक मैं सोचता हूँ आप मार्केट देखें। फिर पूरी मार्केट घूमने के बाद और आप लोगों को मार्केट घुमाने के बाद मैंने कहा यार चलो प्लान बी करते हैं, क्योंकि हमेशा तो नहीं होता ना कि प्लान ए हमेशा सक्सेसफुल हो, इसलिए लोग प्लान बी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए और वो सक्सेसफुल। हमें एवोकाडो नहीं मिला, हम कुछ और सोचते हैं। हमने ब्राउन राइस तो उठा ली, उठा के हम घर आए। फिर उसके बाद मैंने कहा यार थोड़ा सा कुछ स्टाइलिश नहीं चाहिए, स्टाइलिश। यार बहुत तपती हुई धूप हो रही है, इतनी तपती हुई धूप हो रही है ना, सर के ऊपर चुभ रही है। बस घर जाके बात करते हैं। ओके ब्राउन ब्रेड टोस्ट करी, अंडा बनाया, चीज़ ऑमलेट, उसके अंदर अंडे को रखा और उसके ऊपर एक मैंने रखा हल्का सा बॉइल्ड एग, जो कि आप तोड़ के पहले बाउल में रख के फिर उसको गर्म पानी के अंदर स्टेयर करके डाल सकते हैं, उससे हो जाएगा हल्का सा आपका बॉइल्ड एग। और फिर उसके बाद आप उसको उसके ऊपर रखें और कट करें और खाएँ और इन्जॉय करें। आप लोगों को देखना है कैसा बनाया था, अभी दिखा देते हैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम में मेरे बराबर वाले हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि यार हम उनको कुछ काम था, तो मैं उनके साथ काम पे गया था, ठीक है, उसका काम करके मैं वापस आया, तो हमने कहा यार एक रेस्टोरेंट नीचे उसका नाम है। जब भी मैं उसके पास ही गुजरता हूँ मेरे दिमाग में यही गाना बजता है, तो मैंने कहा आज क्यों ना वो ट्राई किया जाए। उसको ट्राई किया, उसके बाद वीडियो बनाई, वीडियो बता क्यों रहा हूँ, देखो ना तुम लोग देखो। क्या ख्याल है आपका, पहली दफ़ा ट्राई करेंगे, अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखिए उम्मीद तो अच्छी है, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। का ब्लॉग इतना सही है, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं जुम्मे के ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं काफ़ी लेट ब्लॉग बना रहा हूँ, हाँ जी हाँ मुझे पता है, क्योंकि यार थोड़ी मोटिवेशन जा रही थी ना, तो इसलिए अब मोटिवेशन कहीं ना कहीं से उठा कर लाएँ हम, हमारे अंदर जान आई है तो बनाएंगे। गर्मी बहुत है आजकल, बहुत गर्मी, देखें पसीना निकल रहा है, लेकिन क्या करें, दिख तो नहीं रहा मेरा पसीना लेकिन अंदर से निकल रहा है, आपको क्या पता है, आपको की मालूम, ठीक है। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच for subscribing. If you're new here, subscribe and go and watch my old videos. You will get to know the real Najam. And stay tuned. Vlogs coming up soon. Allah Hafiz. For your life.